व्यापारी सुरक्षा फोरम ने किया खोया, सामग्री में मिलावट और शहर में जाम का किया विरोध। बरेली में दीपावली पर नकली खोया में मिलावट और महादेव सेतु के दोनों साइड टेम्पो ई रिक्शा से लग रहा जाम। और दीपावली पर कुम्हारों को मिट्टी खनन में हो रही परेशानी को लेकर व्यापारी सुरक्षा फोरम के महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट को मांग पत्र दिया। क्या नाम है आपका? जितेंद्र रस्तोगी, प्रदेश उपाध्यक्ष, मंडल प्रहरी, व्यापारी सुरक्षा। सिटी मजिस्ट्रेट साहब के सामने ज्ञापन ये दिया है कि बरेली जनपद में बड़ी संख्या में कुंभकार, कुम्हार लोग रहते हैं, हस्तशिल्पी, और वर्तमान समय में चूँकि दीपावली का महोत्सव है, उसमें दियो की दिए और ये जो करवा चौथ आती है उस पर करुओं का निर्माण होता है, और उसके लिए उन्हें मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी जब वो उठाने जाते हैं तो नाना प्रकार की उनको समस्याएं होती हैं, क्योंकि मिट्टी खनन विभाग से उस पर रोक लग जाती है, तो उसका उनका उत्पीड़न होता है। उनकी जब समस्या हमारे संज्ञान में आई, पुलिस के द्वारा उनके जो मिट्टी वो लाते हैं जिस भी चीज़ पर, उस पर रोक टोक होती है, तो उसको लेकर हमारे अध्यक्ष जी के संज्ञान में ये विषय आया, तो हमने इस विषय को गंभीरता समझते हुए आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को ये ज्ञापन दिया कि भाई उनकी जो ये त्यौहार के ऊपर जो मिट्टी का उठान है उस पर उनको सुविधा दी जाए। शासन की ये अपेक्षा है कि इस प्रकार के जो हस्तशिल्पी हैं उनको प्रोत्साहन हो, उनका रोजगार बढ़े, इस पर शासन का ध्यान है और उनको हर तरीके की लाभान्वित योजना देती है सरकार। शुक्ला जी, आज क्या मामला है, आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, आज व्यापारी सुरक्षा फोरम व्यापार मंडल यहाँ पर कुछ समस्याएं लेकर डीएम महोदय के पास आए थे, और इसमें अब दीपावली आने को है और ये हमारा महादेव सेतु जो है उसके दोनों साइड थ्री व्हीलर्स वाले इतना मिनी एक तरीके से स्टैंड बना लेते हैं। व्यापारियों की दुकानें हैं, करोड़ों की दुकानें लिए बैठे हैं, उसके आगे जाम रहता है, जिसके कारण इस त्यौहार में भी व्यापार करना मुश्किल है। इस प्रकार से ये कुम्हारों की समस्याएं, कुम्हार के यूनियन के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, और उनकी बहुत बड़ी समस्या ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से खनन विभाग द्वारा छूट दी हुई है उनको कि वो मिट्टी कहीं से भी ला सकते हैं, ऐसे में पुलिस परेशान करती है, एसडीएम रोकते हैं उनको, तो आज हम यही समस्या लेकर आए थे कि वहाँ उनको छूट दी जाए। और इस त्यौहार में बाज़ारों में जो पूरे शहर में जाम की स्थिति है उसको सुचारू व्यवस्था बनाएं और जिससे व्यापारी व्यापार कर सके, और ख़ासतौर से मिलावट के लिए भी यहाँ पर हमने कहा है कि त्यौहारों पर तो ये खाद्य विभाग के लोग जाते हैं वहाँ पर चेकिंग करने, लेकिन इस समय चेकिंग की ज़रूरत है जब रॉ मटेरियल नकली खाद सामग्री बाहर से आती है, अन्य क्षेत्रों से आती है, तो इस समय चेकिंग करके उसको रोकने की जिम्मेदारी विभाग की है, क्योंकि त्यौहार पे तो बन जाता है वो, जो बना हुआ माल है वो बनने ही ना पाए, मिलावट हो ही ना पाए, इसके लिए हम आज व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और हमें आश्वासन मिला है कि जल्द कार्रवाई करके इसका निदान हो। धन्यवाद।